कैथल के उपमंडल गोलाचीका में कैथल रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 4 लड़कियों और 2 लड़कों को पकड़ा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह स्पा सेंटर काफी समय से बंद था और अचानक इसे शुरू किया गया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्पा सेंटर को एक होमगार्ड का जवान चला रहा था। मौके से होमगार्ड जवान की इनोवा गाड़ी और उसकी वर्दी भी बरामद की गई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि होमगार्ड का जवान कुरुक्षेत्र में ड्यूटी कर रहा था। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कैथल रोड पे एक आरएस सपा सेंटर है जो काफी दिनों से बंद पड़ा था, कल ही खोला है और गुप्त सूचना के आधार पे वहाँ रेड की गई, जहाँ से 4 लड़कियाँ मिली है, 2 लड़के थे और उनको जो एजेला उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया। देर रात तक ऐसा तो खुद तफ्तीश की है और आगे इसमें एक होमगार्ड का जवान है जिसकी गाड़ी में वर्दी मिली है, जो भी कब्जे में ले ली गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब उसको शामिल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसके आधार पर ही बताया जाएगा भाई ये कितने दिन से इसकी पार्टनरशिप थी और इसकी पोस्टिंग। अब जहाँ तक हमारा है पता किया है इसकी कुरुक्षेत्र पोस्टिंग है, बाकी अरेस्ट होने के बाद में ही पता चलेगा भाई कहाँ पोस्टिंग है कहाँ नहीं है। सेक्स रैकेट इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक होमगार्ड का जवान ही इस सेक्स रैकेट के धंधे को चला रहा था। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।